भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और वाघोड़िया मत क्षेत्र के विधायक मधुभाई श्रीवास्तव के बेटे दीपक श्रीवास्तव ने आखिरकार निर्दलीय नामांकन पत्र भर ही दिया। सबसे अहम बात यह थी कि वार्ड नंबर 15 में जो कसमकस चल रही थी उनको लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे, मगर वाघोड़िया के विधायक मधु श्रीवास्तव ने जिस तरीके से जो बयान दिए थे कि दीपक श्रीवास्तव की जो राजकीय कारकिर्दी है वो तय होनी ही होनी है और आखिरकार दीपक श्रीवास्तव ने आज वार्ड नंबर 15 से निर्दलीय तरीके से नामांकन पत्र दाखिल किया। दीपक भाई, क्या ये माना जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट चेतावनी है? मेरी राजकीय शुरुआत अपक्ष से हुई थी, फिर पार्टी में मैं जुड़ा, पार्टी में एक वफादार तरीके पार्टी से जुड़ा हूँ। ये बात रही कि मैं चुनाव लड़ने की रीज़न ये है कि मेरे प्रजा जब मेरे को चुटा के भेजती है तो उनके विश्वास के उन्होंने जो उनकी लागनी दुबाई है, उन्होंने बोला है कि नहीं, आपको लड़ना ही है। क्योंकि दूसरी टर्म हुई वडोदरा शहर में, सबसे हाईएस्ट वोट से दूसरी टर्म में भी जीत के आया हूँ, कि लोगों का जो विश्वास, लोगों का जो आशीर्वाद मिला है, आज मुझे उस पर भी कायम रहना है कि उन लोगों की वजह से, जहाँ प्रजा की वजह से मैं हूँ, तो उनकी सेवा करने के हेतु से ही मैंने आज अपक्ष में फॉर्म भरा है। जी, मगर दीपक भाई, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो डायरेक्शंस दिए थे कि जो सगावादे, जो खास तो जो सगावादे, उनको आप प्रोत्साहित नहीं करेंगे, मगर आपको ऐसा लगता है कि वडोदरा महानगर के जो उम्मीदवार है वो चयन करने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई है? सुनाई नहीं दिया, फिर सुना। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जो सगावाद की बात चल रही थी कि जो नेता है उनके बेटे को टिकट नहीं दिया जाएगा, मगर वडोदरा के उम्मीदवारों में ये चयन में थोड़ी चूक हुई है भारतीय जनता पार्टी से? हाँ, वो तो आप सब भी जानते हो, थोड़ी बहुत चूक हुई है। और पार्टी का जो डिसीजन है वो सिरे मान्य लेके हम चल रहे थे, परंतु आज चुनाव में लड़ने का रीज़न यही है कि जब मेरी प्रजा मुझे चुटा के लाती है, उनका विश्वास जीता है मैंने, जब इतने वोटों से जब मुझे चुनाव में जीता के लाए हैं, तो मुझे उनके साथ रहना जरूरी है। जब उन्होंने मुझे बोला है कि नहीं, आपको लड़ना है, लड़ के हमको आपको जिताना है, तो बस आज मैंने अपक्ष से फॉर्म भरा है और लड़ने वाला हूँ और जीतने वाला हूँ, उसमें कोई शंका। मगर दीपक भाई, आपको ऐसा लगता है कि आपकी टिकट कटवाने में अंदरूनी राजनीति भी इतनी ही जिम्मेवार थी? नहीं, ये जो परिवारवाद है, जो कुछ फैक्टर है, तो वो लागू पड़े हैं, तो उसमें मुझे कोई हमगम नहीं है। जो हमगम है मेरे प्रजा को है, तो वो प्रजा की वजह से ही मैं आज ये चुनाव में जंप लाया हूँ। तो आपका टारगेट कौन होगा? आशीष जोशी होगा, रणछोड़ राठौर होगा, कौन होगा? मेरा टारगेट जीतना है, लोगों की सेवा करी है, लोगों का काम करा है, तो मेरा टारगेट जीतना तो है ही, उसमें कोई शंका नहीं है। तो अंतिम सवाल आपसे ये है कि आपको, आपने जब आज से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया, इसे क्या माना जाए, विधायक मधु श्रीवास्तव की दबंगई या दीपक श्रीवास्तव का डेवलपमेंटल प्लान? ये दीपक श्रीवास्तव ने, मेरे एक स्वाभाविक है कि पिता का नाम पीछे आएगा ही, फिर भी मैंने मेरे रिश्ते से 10 साल में जो मेरे पूर्व विस्तार वार्ड नंबर 15 में आप जाके देखोगे, कोई भी मेरे पास आया है, नात जात भेदभाव, अगर मैं उन लोगों का काम करता रहा हूँ, उन लोगों को कभी कोई भी परेशानी हुई, मैं जब भी मैं फ़ोन किया होगा, उनका काम करने का प्रयास करा हूँ। साथ में कोरोना काल के समय दरमियान भी मेरी जो पूरी टीम है, उस समय भी लोगों की सेवा करी है, तो वो जो मैंने मेरी कार्य पद्धति, जो मैंने जो लोगों की सेवा करी है, उसी आधार से मैं निकला हूँ। नामांकन पत्र वापिस तो नहीं? नहीं। तो ये थे वाघोड़िया के विधायक मधु श्रीवास्तव के बेटे दीपक श्रीवास्तव, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर माना कि जिस तरीके से वार्ड नंबर 15 के अंदर उन्होंने जो नामांकन पत्र दाखिल किया है वो अब वापिस नहीं होगा, तब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को एक सीट का नुकसान होना भी तय है। कैमरामैन सिद्धार्थ खेरे के साथ वशिष्ठ शुक्ल, वडोदरा, गुजरात।